अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। एक और व्लॉग के साथ और एक और नए दिन के साथ और एक और नए शहर में। पिछले व्लॉग्स आपने मेरे देखे जो कि इस्लामाबाद में थे, और रात को मैं वापस आ चुका हूँ और इस्लामाबाद की जर्नी ख़त्म करके, और वो व्लॉग आपने आई थिंक सो देख लिया होगा। और ये जब व्लॉग अपलोड होगा तब तक इस्लामाबाद वाले व्लॉग अपलोड हो चुके होंगे पार्ट वाइज। आई थिंक सो दो तीन व्लॉग्स आपने देखे होंगे मेरे इस्लामाबाद की जर्नी के। खैर, अभी हम लाहौर में आ चुके हैं और एक और नए दिन के साथ और एक और नए व्लॉग के साथ। अभी 4:30 हो चुके हैं और मैं शावर लेके फ्रेश हो के तो एक घर से दूसरे घर की तरफ जा रहा हूँ। कुछ लोग वहाँ पे थे, उनको पिक करने। खैर, उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे पिछले व्लॉग्स को भी पसंद किया होगा और आपको इस व्लॉग में भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। कल हमारा एक फैमिली इवेंट आ रहा है, उसको भी हम कवर करेंगे, और इस व्लॉग में कुछ अगर खास हो सका तो वो भी आपको दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप देखते रहेंगे। खैर, कंटिन्यू करें, हम चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। कुछ ऐसे हैं कि जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम जो करेंगे आपको दिखाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। सर, हम क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं यहाँ पे अस्करी के सेक्टर पार्क के अंदर, और हमारे बॉयज ये बॉलिंग करा रहा है, वो बैटिंग कर रहा है। ये मेरी टीम में और सुबान की टीम है, और मैं इस टाइम रनिंग पर खड़ा हूँ। एक मैच हम जीत चुके हैं, दूसरा मैच हो रहा है इस टाइम, और पहले ओवर की लास्ट बॉल हो चुकी है और एक ओवर में हमारा 9 स्कोर है। अब मेरी बैटिंग आ चुकी है, तो मैं बैटिंग करने के बाद फिर दोबारा ब्लॉक कंटिन्यू। नाजरीन, क्रिकेट खेलने के बाद हम लोग आ चुके थे बाहर यहाँ F2F फार्मूला कैटिंग रेसिंग पे। यहाँ पे हमने रेस तो नहीं की, लेकिन हमने यहाँ पे एक मज़े की चाय पी, और चाय पीने के बाद हमारी यहाँ पे काफ़ी फ्रूटफुल डिस्कशन हुई अब्दुल्ला के साथ, जो कि ओलंपिक्स के बारे में, और चाइना में जो उसकी पोजीशन है इस टाइम पे, वो किसमें, ये क्या कहते हैं, फर्स्ट नाइन में ये चाइना की टॉप 100 रेस में है। जो कि कैसा लगता है आपको चाइना में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में फर्स्ट 9 नंबर में टॉप 10 में आना? बस ये फर्स्ट 9 इतना मुश्किल से आया हूँ ये पोजीशन में, मगर अब जो होता है क्या सीन, अब मेहनत लगा रहा हूँ, अब देखते हैं क्या होगा। इस दफ़ा अब जून में सिलेक्शन होगा, ये सिलेक्शन में अब अल्लाह कामयाब दे तो सब चीज़ अच्छा हो जाएगी। तो आप सब दुआ करें, सब दुआ करें, पीर साहब कह रहे हैं आप सब दुआ करें, दुआ करें, सारे आमीन बोलें, दो तीनों बंदे जाएंगे। तो ये सीन्स है, आपने डिटेल सुनी है इसके ज़माने, और हम भी कहेंगे कि ये अगली कौन सी ओलंपिक्स है, ये पेरिस नहीं 2024 में ओलंपिक्स है जो कि पेरिस में मनक़द हो रही है। हम भी उम्मीद करते हैं कि ये भी वहाँ पे शामिल हो। खैर, अभी हम आपको एक व्यू दिखाते हैं जो कि हमारे आगे से कितना प्यारा एरोप्लेन। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर डे ऑफ व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और मेरा व्लॉग इस टाइम देख रहे होंगे खुश हो के। खैर, व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा एक फैमिली इवेंट है यहाँ पे, उसी की सिलसिले में मैं इस टाइम रेडी हो के फैमिली को, क्योंकि मेरे कपड़े जो थे वो थोड़े डिले हो चुके थे, उसकी वजह से मैं अभी तैयार होना थोड़ा डिले हो गया था। खैर, अभी मैं रेडी हो के तो जो वेन्यू है उसकी तरफ निकल चुका हूँ, और मैं काफ़ी लेट हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर्स, जो कि मेरे बाकी अहलो अलाल ख़ानदान वाले हैं वो पहुँच चुके हैं। आई एम द ओनली वन जो कि मुझे लगता है कि मैं लेट हूँ, मुझे सुबहान की तरफ से नहीं पता कि सुबहान पहुँचा कि नहीं अभी। खैर, मुझे लगता है कि मैं लेट हूँ, और मैं इस टाइम जा रहा हूँ और वहाँ पहुँच के मुलाकात करते हैं। एक हमारा फैमिली इवेंट है जो कि हकीका होता है, जब कोई बच्चे की पैदाइश होती है उसके माँ बाप की तरफ से हकीका किया जाता है, जो कि इस्लामी रवायत के मुताबिक है। तो वो इवेंट आज हमारा, तभी मैं वहाँ पे जाता हूँ और जाके फिर आपसे मुलाकात। खैर नाजरीन, व्लॉग को हमने दोबारा कंटिन्यू किया है, और इस टाइम मैं आपको कुछ लोगों से मिलवाऊँगा
मैं बहुत प्यारा लग रहा हूँ, किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, लेकिन मैं आपको आपके कुछ लोगों से मिलता हूँ अभी। कैसा लग रहा है आपको आज की इवेंट के बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छी सब मिले हैं और सब से शनासाई हो रही है, इतनी नहीं लग रहा है। और हम कोशिश करेंगे आज के जो इवेंट के होस्ट हैं हम उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएं इस फॉग में, और इसके बाद उससे पहले हम कुछ और दीगर लोगों से मुलाकात करवाएंगे। अभी चाय का वक्त है, मैं चाय पकड़ लूँ फिर ब्लॉग। खैर, हमने ब्लॉग दोबारा शुरू किया और आज काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी सालों बाद, बल्कि 3 सालों बाद शिग्रफ आज हमारे ब्लॉग में फाइनली आ चुका है, जो कि यूके से आया है। yes. और मिलने आया है, बस yes. सिर्फ मिलने के लिए आया और सरप्राइज दिया इसने आके, छापा मारा इस फंक्शन पे, आगे से छापा मारा। मैंने यहाँ पे पहुंचा, हर बंदे के घर पे मैंने छापा मारा। कैसा लग रहा आप इतने अरसे बाद? शादल भी मेरे इस्लामाबाद के पिछले ब्लॉग में पहली दफ़ा आया है, अब तुम 3 साल बाद आ रहा है, कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कभी गया ही नहीं था, गया ही नहीं था। मुझे ऐसे लग रहा है चीजें बदली नहीं नजर आ रही, महंगाई बदली है, प्राइसेस बदली है, और कुछ नहीं और कुछ नहीं बदला। मतलब कि मईशत के हाल खराब हुए हैं, बाकी पाकिस्तान नहीं बदला, पाकिस्तान नहीं बदला, हालात नहीं बदले, हालात खराब हो गए, बच्चे बड़े हो गए बस। जिसके भी थे अपने तो नहीं थे, कुछ लोग सिंगल छोड़ के कैसे वो ट्रिपल हो गए, ट्रिपल हो गए, डबल भी नहीं हुए, ट्रिपल हो गए सीधे। अभी हम आपको इस इवेंट के होस्ट से भी मिलवाएंगे, फिर आपको ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद शिग्रफ आपको अगले ब्लॉग में भी नजर, अगले ब्लॉग अभी मैं तेरी। अब नाज़रीन, मेरा ख्याल है इस व्लॉग को ख़त्म करने का आखिरी वक्त आ चुका है, और आखिरी वक्त में सुभान मेरे साथ अपनी लंबी लंबी जुल्फों के साथ, जो कि इनका कहना है कि ये इनके आखिरी व्लॉग की जुल्फें हैं, इसके बाद ये छोटे बालों में व्लॉग में आपको नज़र आया करेंगे। क्या ख्याल है? मे बी तो क्या कहना चाहेंगे व्लॉग में आप जुल्फों? मे बी और मे बी नॉट। कैसा रहा आपका सीक्रेट? बहुत मज़ा आया। क्या बहुत मज़ा आया? मैं तो थोड़ा लेट आया था, अच्छा। लेकिन जब जिस टाइम आया था उस टाइम तो बहुत मज़ा आया। और कोई बात और आपसे रात को आपको मिलते हैं एक न्यू एपिसोड के साथ, एक नए व्लॉग के साथ, जो कि कहाँ पर होगा? स्पोर्ट्स एरिना। क्या होगा वहाँ पे? फुटबॉल मैच। और क्या होगा? मज़ा होगा, आपको बहुत बुरा हराएंगे। एक नए दिन हर बार की तरह, एक नए दिन के साथ और एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे, एक नई रात के साथ। लेकिन मैं देखता हूँ अगर अभी कोई और व्लॉग में आएगा तो वो आएगा। ये दो काके भी आ चुके हैं जो कि उम्मीदवार हैं क्रिकेट के, फुटबॉल के। तो इसके बाद व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं अपने एक और नई जगह के साथ, और एक और नए टाइम के साथ, और एक और नए जगह के साथ। खैर, व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। इस टाइम हम दोबारा से जो हम यहाँ पे आते हैं एफ सेक्टर में, स्पोर्ट्स अरीना, जो कि अपना क्या कहते हैं इसको, एफ सेक्टर एस 10 में फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, तो यहाँ पे दोबारा फुटबॉल खेले हैं। मेरी तबीयत थोड़ी सी, गला बैठा हुआ है, गला खराब है, तो आवाज़ मेरी पूरी प्रॉपर जोशीली नहीं निकली, लेकिन मैच बहुत जोशीला होने वाला है। और अभी टीम्स हो रही हैं, हमारे दो बंदे अभी आ रहे हैं, उनको हमने शफल कर देंगे, एक उधर एक उधर। शिग्रफ शादल आ रहे हैं, बाकी हम सब आ चुके हैं, तो अभी शुरू करते हैं मैच और फिर आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या सीन्स हैं, क्या मज़े हैं। मैं ज़रा अपनी टीम चेक करूँ। फुटबॉल का मैच ख़त्म हो चुका है और हम हार गए, हम हार गए। पहला मैच हमने जीता, दूसरा हम एक गोल से हारे, तीसरा हम दो गोल से हारे हैं। और मेरी टीम के कैप्टन एज यूजुअल रहील भाई थे, बहुत सीनियर प्लेयर। कैसा लगा खेल के? देर बाद खेले हैं, हमेशा की तरह हर बार थक गए हैं, आज भी थक गए हैं। मेरी चाबी आपके पास है? हाँ, तो रहील भाई ने बड़ी अच्छी गोल कीपिंग की है, हमने बहुत मेहनत की है, लेकिन बारिश, अफसोस हम हार गए। उसकी रीजन्स कुछ ये हैं कि बारिश हुई हुई थी, जिसकी वजह से ये जो ग्रास है ये बहुत ज़्यादा गीला था, और इस सर्दी में आज मेरा ख्याल है 5 फरवरी है, और उसके बाद हमारे 5 फरवरी इतनी सर्दी में होने के बावजूद हमारा पसीना ऐसे निकल रहा है जैसे जून जुलाई में पसीना निकलता है। खैर, सुबान और चाइनीज़ अब्दुल्ला की टीम जीत चुकी है, तो उनको हम अभी आपके साथ दिखाएंगे। शादम की भी टीम जीती है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, हम जीत गए। खैर,
उसके बाद हसन की टीम भी जीत चुकी है। कैसा लग रहा है हसन जीत के? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और सुभान की टीम भी आपको ठंडा कर जिसमें जीत चुकी है। सुभान कैसा लग रहा है? जीत हुआ है। बहुत मजा आया, आपने भी बहुत अच्छा खेला है। कल फिर आएंगे, कल फिर खेलेंगे। कल अगर हम रहे यहाँ पे नहीं नहीं आपको रखना है कल, और कल आपने खेला, कल आप खेलोगे। और हमारे साथ एक और विनिंग प्लेयर मौजूद है जिसने काफी गोल मारे हैं। कैसा लगा खेल के? बहुत अच्छा लगा। कितना अच्छा लगा? इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है सबके, मेरा भी अच्छा हुआ है, सबका भी अच्छा हुआ है, और टीममेट के भी। ये मेरा टीममेट ने बहुत अच्छा गोल पास दिया। हाँ, और फील सो गुड। शाम आपको कैसा लगा? बस यार अच्छा था, मगर बारिश की वजह से, लगभग बारिश ना हुई होती। अरुण आपको कैसा लगा? मेरा तो भाई जैसा ही है। मजा आया सही। गिल्ला को ठंडा किया फुल। क्या मुझे बॉयज बुला रहे हैं, देखने का कह रहे हैं। हमारी टीम इस टाइम हार चुकी है, लेकिन बात ये है कि बहुत रिजनल फीलिंग्स थी और बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉयमेंट किया है। वो सॉरी इंटरप्शन हुआ क्योंकि कैश देना था, जो पेमेंट होती है यहाँ की पारा और वाइज, वो पेमेंट हमने क्लियर की है। खैर मैच का बहुत मज़ा आया इस टाइम, और इस टाइम जिसको कहते हैं हिल चुकी है अपनी सारी जिस्म बॉडी, ईच एंड एवरी पार्ट जो है वो दर्द कर रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा स्लाइड थी और बहुत ज़्यादा फिसलिंग थी। पूरा बंदा यहाँ पे गिरा है, और कोई मेरा ख्याल है ऐसा बंदा नहीं होगा जो ना गिरा हो। खैर उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह कोई हाइलाइट्स तो नहीं इसमें दिखाई, क्योंकि गेम कुछ ऐसी थी कि हम गेम के अंदर इतने मसरूफ थे, इतना मज़ा आया। और जो शॉपर है ना नीचे पर, उसको नीचे सीट के करते हैं। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। बार की तरह जीत किसकी हुई? आज आपके पास बहुत अच्छा प्लेयर था, मानते हो कि नहीं? मानते हो? वो तो प्लेयर तो याद है, लेकिन लास्ट टाइम तो भी नहीं था ना प्लेयर। हाँ लास्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम। कल दोबारा आपके साथ मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ और न्यू मैच के साथ। खैर बाय बाय। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में।